हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एग्जांपल नंबर 13 जो है पेज नंबर 16 पर। और जो क्वेश्चन है इसमें वो है मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। तो यहाँ 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करें हम, 6√5 मल्टीप्लाइड बाय 2√5। अब सिंपल सा ये जो आपका बिना रूट वाला है वो बिना रूट वाले के साथ इंटू हो जाएगा। तो 6 × 2 = 12। और जो √5 है ये रूट वाला है वो रूट वाले के साथ इंटू हो जाएगा। तो ये जाएगा √5 × √5। तो √5 × √5 कितना होता है 5। ठीक, ये याद रखिएगा। जैसे अगर दो सेम नंबर है √5 × √5 तो ये हो जाएगा एक साथ हो जाते हैं। जैसे इसे 5 × 5 अंदर आ जाते हैं और हमें पता है रूट में जो दो बार होता है उसको एक बार ही लिखा जाता है। तो इसीलिए दो रूट सेम मिलकर के एक सिंगल नंबर बना लेता है। जैसे √x × √x क्या हो जाएगा x, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ √5 × √5 क्या हो गया 5 हो गया। अब और आगे सॉल्व करें तो 12 × 5 = 60, ये आंसर आ गया हमारा। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3√2 and 6√5 ऐसा कोई कर, तो हम क्या करेंगे 3√2 × 6√5। अब क्या है ये बिना रूट वाला, पहले बिना रूट से इंटू, 3 × 6 = 18 और √2 × √5 तो क्या हो जाएगा इंटू √2 × √5 √10। 2 और 5 अंदर इंटू हो जाएंगे तो क्या बन गया हमारा 18√10, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3√2 and 6√2 ऐसा ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 3√2 × 6√2। अब क्या है इन दोनों को इंटू कर दें, 3 × 6 = 18 और √2 × √2 क्या हो जाएगा 2, मतलब 18 × 2 बचा है तो 18 × 2 = 36, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,